तो यहाँ पर इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ये साल्ट वाटर बैटरी किस तरह से काम करेगी। तो पहले हमने पांच जो छोटे प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं उनमें हमने साल्ट वाटर डाल दिया है, नमक का पानी, और हमने किट में से जो कॉपर और जिंक की जो छोटी वाली प्लेट्स हैं ऐसी, इन प्लेट्स के वायर से कनेक्ट करके चार पेयर्स बनाए हैं। तो हम ये जो चार पेयर्स हैं इस तरह से इस प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर रखेंगे, और एक साइड में जो है जिंक की प्लेट है, जिंक की प्लेट की जो वायर है वो हमारा एक छोर होगा और दूसरे छोर में कॉपर के प्लेट से कनेक्टेड वायर हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम इस बीकर के अंदर जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स रखेंगे। एक बात का ख्याल रहे कि ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे को टच ना हो पाए। और फिर हम एक एलईडी लेंगे। एलईडी के दो पैर हैं, छोटा और लंबा। छोटा वाला पैर जो है वो निगेटिव का है। तो जिंक की प्लेट से आती हुई जो वायर है वो हम एलईडी के छोटे वाले पैर को कनेक्ट करेंगे, और कॉपर के प्लेट से जो आती हुई वायर है उसको हम एलईडी के लंबे वाले पैर से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा सर्किट पूरा होगा। तो जैसे ही आप इसे कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि एलईडी जो है जल जल उठेगी। अब इसके बाद अब हम इस साल्ट वाटर बैटरी के द्वारा मिलने वाला जो वोल्टेज है वो हम गिनेंगे। तो इसके लिए अगर आपके पास वोल्टमीटर है तो उस वोल्टमीटर का जो नॉब है वो डीसी वोल्टेज पर रखिए। यहाँ पर मैंने इसे 20 वोल्ट का जो मार्कर है वहाँ पर मैंने इसको सेट किया है, और वोल्टमीटर की जो दो पोर्ट्स हैं उसमें कॉम पोर्ट में हम काली वायर लगाते हैं और उसके बगल में जो है वो लाल वायर होती है। तो जो मल्टीमीटर की जो काली वाली वायर है उसे जिंक प्लेट से आने वाली वायर को कनेक्ट करेंगे इस तरह से, और कॉपर के प्लेट से कनेक्टेड जो वायर है उसको हम मल्टीमीटर के लाल वाले वायर से इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो ऐसा कनेक्ट करने पर आपको अपने मल्टीमीटर पर यहाँ पे रीडिंग दिखाई देगी। तो मुझे साधारणतः 2.8 से 3.2 के आसपास वोल्टेज की रीडिंग मुझे मिलती थी। तो इस तरह से आप अपने एक्सपेरिमेंट में जितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसे यहाँ से आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके रीड कर सकते हो। तो अब हम इस साल्ट वाटर बैटरी के अंदर कितनी करंट जनरेट हो रही है इसे चेक करेंगे। तो हम इसके लिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो मल्टीमीटर के अंदर जो नॉब है उसे हम एम्पियर वाली रेंज में ले जाएंगे। तो यहाँ पे एम्पियर में जो है 20 मिली एम्पियर का एक रेंज है, तो मैंने उसे वहाँ पर सेट किया है। तो अगर आप चाहो तो इसे माइक्रो एम्पियर पर भी रख सकते हो, तो इससे आपको ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग मिल सकती है। तो जिंक की प्लेट से आने वाली जो वायर है वो हम मल्टीमीटर के कॉम पोर्ट को, यानी जो काले रंग की जो प्रोब है मल्टीमीटर की, उससे कनेक्ट करेंगे, और मल्टीमीटर की जो लाल रंग की प्रोब है उसको हम एलईडी के छोटे वाले पैर से, यानी एलईडी के निगेटिव से, यानी एलईडी के कैथोड से हम कनेक्ट करेंगे। और एलईडी का जो लंबा वाला पैर है जो उसका पॉजिटिव है जिसे एनोड कहते हैं, उसको हम कॉपर से आने वाली जो वायर है उससे कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से कनेक्ट करने पर इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो मेरे मेजरमेंट में 0.1 या 0.2 मिली एम्पियर्स इतना करंट फ्लो होता हुआ मुझे दिखाई दिया। तो माइक्रो एम्पियर में आप अगर इसे सेट करोगे तो इसको आपको रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट दिखाई देगी।